अगर हम बात करें मोबाइल गेमिंग की, तो यहाँ पे हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है आईपैड और आईफोन्स के बीच में। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि आईपैड्स में अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनके पास आईफोन्स हैं। ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपैड और आईफोन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, गेम्स में आपको क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और साथ में रियल लाइफ में कौन सा ज़्यादा वर्थ रहेगा परचेज़ करना, तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो कंटेंट देखने के बाद। बाकी यार अभी इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो एडवांटेजेस बताऊंगा जो गेम से हटकर है, मतलब जो आपके रियल लाइफ में भी काम आएंगे, उसके बाद हम गेम के बारे में बात करेंगे। आईपैड ज़्यादातर प्रोडक्टिव काम में ही यूज़ होता है, या तो आप स्टडी के लिए आईपैड परचेज करोगे, या फिर आपका कोई बिजनेस वगैरह, या फिर कुछ भी आपने ऐसी चीज़ हैंडल करनी है जिस पे डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है, जिस पे आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो चीज़ें, तो उस पे आईपैड का बहुत बड़ा रोल होता है। आईपैड में बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, ये तो आपको पता ही होगा, और इस पे जो है प्रोडक्टिव टास्क बहुत इजीली हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग बहुत इजीली हो जाती है, बिकॉज इस पे जो हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो आईफोन से बेटर होते हैं। तो ये तो बात हो गई यार नॉर्मल यूसेज की आईपैड्स की। तो अब बात करते हैं जो गेमिंग मेन अपने चैनल का कॉन्टेंट है उसके बारे में, BGMI PUBG में क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, और जो स्ट्रीमर्स या फिर जो यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं अपना आईपैड्स के थ्रू, इसमें एडवांटेजेस होते भी हैं या फिर नहीं। तो हाँ यार, आपको गेमिंग में एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे BGMI या फिर PUBG मोबाइल या फिर कोई भी गेम के अंदर, अगर हम कंपेयर करें आईफोन से। तो अब थोड़ा एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो आपको एक एडवांटेज देखने को मिलेगा व्यूइंग एंगल का। आईपैड्स में बड़ी डिस्प्ले होती है जिसके थ्रू आप लोग इजीली बंदे को स्पॉट कर सकते हो, यानी कि आईफोन में तो आपको छोटा सा दिखेगा कहीं पे भी मूवमेंट हो रही है तो, बट आईपैड में आपको वो मूवमेंट बड़ी दिखेगी, मतलब बंदा आपको सामने दिख ही जाएगा। तो इसकी वजह से जो है आईपैड में एडवांटेज होता है, आप बंदे को इजीली स्पॉट कर पाओगे। और फिर भी अगर आपके पास आईपैड नहीं है, आप फोन से ही बंदे को स्पॉट करना चाहते हो, तो यार इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्पेशली, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। एक तो आईपैड का साइज़ बड़ा है, उसकी वजह से आपको स्पॉट करने में इजी हो जाएगा सब कुछ, और उसके साथ साथ आपको व्यूइंग एंगल भी एक्स्ट्रा मिलेगा। लगभग 40-50% आपको फ़ोन से ज़्यादा व्यूइंग एंगल मिलेगा। तो इसको समझते हैं TPP के एग्जांपल से। अगर आप कैंपिंग कर रहे हो आईपैड लेके, तो आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा, मतलब कोई बंदा अगर आपके सामने आ रहा है और आप कैंप कर रहे हो, तो आपको ईजिली सामने से बंदा आते हुए वाइडर रेंज में दिखेगा, मतलब ज़्यादा रेंज में दिखेगा। और वही अगर आप आईफोन में करोगे कैंपिंग, तो आपको ज़्यादा रेंज में नहीं दिखेगा, आपको कैंपिंग में बंदा तो दिख जाएगा, बट जब वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तब आपको दिखेगा। लेकिन आईपैड में ऐसा नहीं है, आईपैड में एक स्पेसिफिक रेंज होती है, वहाँ तक आपको बंदा दिख जाएगा, यानी कि आईफोन से तो वो रेंज बहुत ज़्यादा ही होती है। लगभग 40-50% आपको ज़्यादा व्यूइंग एंगल मिलेगा आईपैड के अंदर। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आईफोन या फिर जो फ़ोन प्लेयर्स हैं उनके लिए। अगर एनिमी आईपैड पे खेलेगा और हम कोई भी नॉर्मल फ़ोन में खेल रहे हैं, तो यार उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है, बिकॉज उसको वाइड रेंज में दिख रहा है और हमको तो एक लिमिटेड रेंज में दिख रहा है, तो हम उसको इजीली स्पॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमको कर लेगा। तो उसके लिए एम करना भी इजी होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा व्यूइंग एंगल मिल रहा है। और ज़्यादा व्यूइंग एंगल्स का फ़ायदा आप रिजेस वाली फ़ाइट में उठा सकते हो, आप लास्ट सर्कल में उठा सकते हो, क्योंकि लास्ट सर्कल पर आपको ईजिली बंदे मिलते नहीं, मतलब दिखते नहीं है, लेटे हुए होते हैं, बट आईपैड में आप ईजिली स्पॉट कर सकते हो। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वो है हिप फायर एक्यूरेसी। अब आईपैड्स में ना हिप फायर एक्यूरेसी बहुत ही खतरनाक होती है। आप TDM वगैरह में स्कोप भी मत लगा के ले जाओ, आपका जो हिप फायर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरा ही स्टेबल जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ आईफोन्स और आईपैड का, मतलब आईफोन के कंपैरिजन में आईपैड में इजी होता है ज़्यादा हिप फायर मारना। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, अगर आपको अपना हिप फायर अच्छा करना है अपने फ़ोन में, तो जो आईपैड व्यू का ऑप्शन हमको मिलता है आजकल सेटिंग्स के अंदर, जिसपे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव वाला, उसको आप जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा आपकी हिप फायर एक्यूरेट होंगे, बिकॉज आप उसको जितना कम रखोगे तो आपको उतना लार्जर दिखेगा, यानी कि एनिमी आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा, बट आपका जो व्यूइंग एंगल है वो कम हो जाएगा। और आईपैड में कमाल की बात ये है कि आप व्यूइंग एंगल के साथ साथ जो हिप फायर की एक्यूरेसी है उसको मेंटेन रख सकते हो, तो इसकी वजह से आईपैड में थोड़ा सा इजी रहता है हिप फायर मारना। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आईपैड में रिकॉइल कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। गेम का रिकॉइल पैटर्न सारे ही डिवाइसेस के लिए सेम है, अगर वो आईफोन है, एंड्रॉयड है, आईपैड है, सब में आपको रिकॉइल पैटर्न सेम मिलेगा। बट ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि आईपैड में रिकॉइल कंट्रोल करना इजी होता है, तो ये इसलिए होता है बिकॉज उसकी जो स्क्रीन है वो बड़ी है, और जो बंदे बिना जायरो के खेलते हैं तो उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए, तो इसकी वजह से आईपैड में रिकॉइल कंट्रोल करना भी इजी होता है। लेकिन रिकॉइल पैटर्न सेम रहता है, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि
आईपैड आपने खरीद लिया तो आपको बिल्कुल गेम खेलना नहीं भी आता है तो आप खेल लोगे, ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ एम असिस्ट की, तो इसके रिलेटेड भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईपैड में एम असिस्ट ज़्यादा बेटर होता है। प्रीवियस टू पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि हिप फायर एक्यूरेसी एंड जो रिकॉयल कंट्रोल है वो ज़्यादा बेटर होता है आईपैड्स में। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें आईपैड के अंदर आईफोन्स के कंपैरिजन में या फिर एंड्रॉयड के कंपैरिजन में अच्छे से हो जाती हैं, उससे बेटर होती हैं, और एम असिस्ट का काम आपको पता है कि अगर आपका एम थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा है तो वो बंदे के ऊपर ले आता है, तो अगर पहले से आपके स्प्रेज एंड हिप फायर ऑलरेडी एक्यूरेट आ रहे हैं तो एम असिस्ट आपको एक्यूरेट ही लगेगा। जबकि एम असिस्ट सारे ही डिवाइसेस में सेम रहता है, कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एम असिस्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा आईपैड्स के अंदर। अगर हम बात करें प्राइस एंड परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको गेमिंग के लिए अगर कोई डिवाइस लेना है, मतलब नॉर्मल गेमिंग के लिए, तो आप आईपैड की तरफ जाओ, क्योंकि आईपैड आपको कम प्राइस में मिलेगा और आपको परफॉर्मेंस आईपैड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इस पे आप टास्क कर सकते हो, जो भी प्रोडक्टिव टास्क है वो सब कर सकते हो। बाकी आप डेली लाइफ में कॉल वगैरह के लिए ज़्यादा आईपैड्स को यूज़ किया नहीं जाता, बाकी वीडियो कॉल वगैरह के लिए आप यूज़, लेकिन इतना ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है, आप कहीं पे भी मतलब मार्केट में तो उसको निकाल के यूज़ करने लगोगे नहीं, लेकिन आप फ़ोन को कर सकते हो। तो इसलिए ज़्यादातर लोग फ़ोन्स को प्रीफर करते हैं, और बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है आईपैड के अंदर, और प्लस जो ऑडियंस है उनको आईपैड व्यू देखने में मज़ा आता है, मतलब आईपैड व्यू में गेम प्ले देखने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन्स का गेम प्ले। कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज गेम में भी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, आप कर सकते हो इजीली। कैपेबल तो यार आईफोन्स भी है, लेकिन बड़ी स्क्रीन होने का बेनिफिट मिल जाता है आईपैड के अंदर अगर आप एडिटिंग करोगे तो। अब हम बात करते हैं ई स्पोर्ट्स के बारे में, क्या ई स्पोर्ट्स में आईपैड्स अलाउड हैं? तो इसके रिलेटेड मैं और भी वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि आईपैड ई स्पोर्ट्स के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के अंदर आईपैड्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर बात करें अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स की, जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऑफिशियल्स के ही रिक्वायरमेंट्स को मीट करवाने की कोशिश करती है, तो इसकी वजह से आईपैड्स ई स्पोर्ट्स के अंदर अलाउड नहीं होते। अगर आपको ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना ही है तो आपको आईफोन खरीदना पड़ेगा, उस पर ही ग्राइंड करना पड़ेगा। और ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने से पहले ये वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैंने ई स्पोर्ट्स की डार्क रियलिटी के बारे में बताया, तो इसको चेक जरूर से करना। और अभी वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आईपैड के ऊपर। तो आईपैड अगर आपको परचेस करना है गेमिंग के लिए तो आप ले सकते हो, और प्लस उसके साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो, क्योंकि BGMI गेमिंग कम्युनिटी में ज़्यादातर आईपैड प्लेयर्स को ही लोग देखना पसंद करते हैं, ज़्यादातर गेम प्ले उनका ही देखते हैं, बिकॉज ज़्यादा व्यूइंग एंगल में ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। और आजकल आपको पता ही है शॉर्ट्स पे ज़्यादातर आईपैड प्लेयर्स की ही वीडियो चलती है, और लाइव स्ट्रीम पे भी ज़्यादातर आईपैड प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, बट वो फेयर गेम नहीं होता है। आईपैड में एडवांटेजेस होते ही हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो किसी भी आईपैड वाले बंदे से अगर आप 1v1 करने जा रहे हो तो यार एक बार सोच जरूर लेना, ये वाली वीडियो उसको दिखा देना बंदे को जो भी करने जा रहा है आईपैड से 1v1, क्योंकि एडवांटेजेस तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो बस यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो यार चेक जरूर से करना चैनल को, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है 40K के, तो यार 40K करा दो, चलो देखते हैं कब तक 40K हो जाते हैं। तो चलो फिर यार मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगला टॉपिक क्या चाहिए आप लोगों को।